नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको एक बैंगूट से जो मैंने मंगवाया है रिमोट स्विच, वो दिखाने वाला हूँ। आइए मैं उसको दिखाता हूँ आपको। ये बैंगूट से आया और यूनिट ये वाली है। ये जो एक मैंने होल्डर बनाया है, थोड़ा किसी दूसरे किसी पार्ट को मॉडिफाई करके डेवलप करके इसके लिए एक होल्डर बनाया है, जिससे कि इसके अंदर फिट हो जाती है और इसे आप निकाल भी सकते हैं। इस यूनिट को सप्लाई देने के लिए, जिसमें ये ब्लू कलर की एलईडी जल रही है, ये करीब इतनी बड़ी है और यहाँ पर मैंने इसको सप्लाई दी है, और ये डिटैचेबल टाइप की सप्लाई है जो मैंने यहाँ से दी है। आप इसे अंदर भी ट्रांसफार्मर को फिट करके या SNPS को फिट करके भी आप इसको सप्लाई दे सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये 12 वोल्ट है, 1 एम्पियर ये सप्लाई इसको मिल गई है। इसमें ये दो वायर्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। इसके अलावा इसमें ये 4 चैनल का एक स्विच है, जो कि दो लाइट, दो फैंस या चारों फैन या चारों लाइट्स, इनको ऑपरेट कर सकते हैं आप। और इसके कनेक्शन मैंने जो वायर्स के दिए हैं, वो मैंने यहाँ दिए हैं। अगर मैं इनको बंद करता हूँ तो मैं यहाँ से भी ऑपरेट कर सकता हूँ और मैं इनको रिमोट से भी ऑपरेट कर सकता हूँ। इसमें इस तरह के दो रिमोट्स इसके साथ आते हैं और एक इसके साथ ये मैनुअल भी आता है, जिससे आप हेल्प ले सकते हैं कि ये कैसे लगेगा। ये कुछ इस तरह से यहाँ फिट है, जिसमें यहाँ रिलेज लगी हैं और यहाँ पर एक कनेक्टिंग होल्डर टाइप की चीज़ है, जिसमें ABC 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 4 बार लिखा है। इसमें सी को आप सब खाली रहने देंगे, बी वाले आप आपस में शॉर्ट करके फाइनली उसको जो वायर निकलेगी उसको आप पावर वाले सॉकेट में दे देंगे, जहाँ पर आपके स्विच में पावर आ रही है। और बाकी जितने भी ए वाले 4 हैं, वो लोड वायर्स हैं, यानी कि आप उसमें 4 फैन या 4 ट्यूब जो भी आप जोड़ना चाहते हैं जोड़ सकते हैं, और फिर आप इसकी मदद से आप उसे ऑपरेट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने अब ये इससे ऑपरेट किया था, क्योंकि मैं पहले ऑफ़ कर चुका था सारे स्विच। अभी ये स्विच ऑफ है, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये आप इस स्विच इस रिमोट से भी ऑपरेट कर सकते हैं 1 बाय 1 करके। आप देख सकते हैं फ़ैन भी ऑन हो गया है इसी से। इसकी रेंज काफ़ी अच्छी है रिमोट की, आप कहीं भी बैठे बैठे कमरे में आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। आप मैंने क्योंकि इसमें 3 लाइट्स लगाए हैं, तो मैं एक करके तीनों लाइट जला चुका हूँ और मैं एक करके सभी लाइटें बंद भी कर सकता हूँ, और मैं फ़ैन भी ऑपरेट करके देख चुका हूँ। आप देख सकते हैं इसमें एक यहाँ एक लाइट भी ब्लिंक होती है, जब आपको पता चल जाता है कि ऑपरेट हो रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी और कॉम्पैक्ट सी यूनिट है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जो कि मैंने अमेज़ोन से मंगाया था और वो 5 चैनल का था। बैंगलोर में इसमें 2 चैनल्स का, 1 चैनल का भी अवेलेबल है, जो बहुत ज़्यादा उससे भी सस्ते भी सस्ता है। और ये वाली जो यूनिट है, पहले वाली जो अमेज़ोन की मैंने जो वीडियो बनाई थी, उससे भी काफ़ी कम एक्सपेंसिव है। अराउंड 400 के अंदर ये आपको यूनिट मिल जाती है, और मेरे को 10 मिनट लगे उसको इसमें लगाने के लिए, और ये बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। मुझे लगता है कि बहुत सारे साथी इसको लगाना चाहेंगे, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने वो अमेज़ॉन वाली भी यूनिट लगा चुके हैं वो, और वो मंगवा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने उस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी ऑर्डर प्लेस किए हैं। और ये बैंगूट उससे काफ़ी चीप है, और आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस मिल ही रहे हैं। सिर्फ इसमें आप ये देख सकते हैं कि आप फ़ैन को स्पीड कम ज़्यादा नहीं कर सकते, ऑन ऑफ ही कर सकते हैं। तो आई होप आप बहुत से लोगों को ये वीडियो काम आएगी। आपका दिन शुभ रहे।